कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर हंगामा चल रहा है। हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश से रोकने को लेकर विवाद गहरा गया है। उडुपी के कॉलेज से शुरू हुआ यह विवाद धीरे धीरे दूसरे जिलों में पहुंच गया है और अब इसे सियासी रंग दिया जाने लगा है। पहले कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने हिजाब पर प्रतिबंध का विरोध किया और अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी सियासी मैदान में उतर गए हैं। दरअसल कर्नाटक के उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 7 लड़कियों को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज आने से रोक दिया गया था। उन्हें कहा गया कि अगर बिना हिजाब के कॉलेज नहीं आ सकती हैं तो ऑनलाइन क्लास करें, लेकिन इन लड़कियों ने हिजाब को धार्मिक मामला बना दिया। इन लोगों ने इसे मौलिक अधिकार से जोड़कर विरोध करना शुरू कर दिया और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस याचिका के ऊपर 8 फरवरी को सुनवाई की जानी है और हाईकोर्ट ही तय करेगा कि स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर जाना क्या वाकई में संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस बीच इस मामले को धार्मिक अधिकारों से जोड़ दिया गया। उडुपी के अलावा दूसरे कई स्कूल कॉलेजों में भी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर जाने की कोशिश की, जहां उन्हें गेट के पास ही रोक दिया गया। विरोध प्रदर्शन के बीच मुस्लिम लड़के भी शामिल हो गए और इसे मुस्लिमों के अधिकार से जोड़ा जाने लगा, जिसके बाद हिंदू छात्रों ने भगवा गमछा और दुपट्टा लेकर कॉलेज में प्रवेश किया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इस तरह के सभी ड्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुआ यह हिजाब विवाद अब सियासी मैदान में उतर गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सिख लड़के पगड़ी पहनकर स्कूल या कॉलेज जा सकते हैं, कुछ हिंदू छात्र तिलक लगा सकते हैं, ईसाई छात्र जब क्रॉस पहन सकते हैं, तो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। शशि थरूर के बाद अब कर्नाटक के पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया भी हिजाब के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने भी इसे संवैधानिक अधिकार के साथ जोड़कर विवाद बढ़ा दिया है। सिद्धरमैया ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां पहले से ही हिजाब पहनकर कॉलेज में जाती रही हैं, अपने धार्मिक परंपरा का पालन करना उनका मौलिक अधिकार है और इसके लिए उन्हें कॉलेज में पढ़ाई करने से रोकने के कारण उनके शिक्षा के अधिकार का भी हनन हो रहा है। हालांकि मुस्लिम लड़कियों, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के संवैधानिक अधिकार वाले थ्योरी का जवाब तो हाईकोर्ट ही दे सकता है, क्योंकि अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका के पास है और लड़कियों ने इसके लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है, जिसके ऊपर 8 फरवरी को सुनवाई होनी है। लेकिन अगर स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनकर आने का नियम बनाया जाता है तो उसका पालन किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षण संस्थानों में किसी की धार्मिक पहचान उजागर न हो पाए और यही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन सेकुलर राजनीति करने का दावा करने वाली कांग्रेस ने कुप्रथाओं का साथ देकर हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करती रही और यही तुष्टिकरण की राजनीति ने आज कांग्रेस की औकात क्षेत्रीय पार्टियों से भी कमजोर कर दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।